तो आज का हमारा बजट है 1000 बात 2200-2300 इंडियन रुपीस। तो 1000 बात में आप दिन भर में कितना घूम सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, सब कुछ आपको बताओ। गुड मॉर्निंग जी फ्रॉम बैंकॉक। दिस इज द लास्ट डे, आज हमारा आखिरी दिन है। और कल के दिन मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया क्योंकि कल का दिन मैं थोड़ी बेबी सिटिंग कर रहा था, ठाकुरन जी की थी शॉपिंग के लिए। फिर बाद में हम थोड़ा बाहर चले गए और फिर मैंने सोचा कि छोड़ो यार व्लॉग नहीं करते। फॉर सम रीजन मेरा ये शोल्डर दुख रहा है, मे बी बिकॉज अरिका को पकड़ पकड़ के तीन चार के इनफैक्ट एक हफ्ते से मैं उसको ऐसा उठा के चल रहा हूँ, तो मे बी उसकी वजह से होगा। इसलिए बहुत टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए ज़्यादा कुछ मैंने शूट किया नहीं है। अरे देखो मैडम, बस अभी सोने की तैयारी है, उसको थोड़ी देर नींद करवाएंगे ताकि तब तक हम रेडी हो जाए, उसके बाद निकल जाएंगे। तो आज शायद हम जाएंगे ग्रैंड पैलेस और स्लीपिंग बुद्धा, ये सब एरिया में वहाँ थोड़ा घूमेंगे। वैसे थाईलैंड ट्रिप करना कोई बड़ी बात नहीं है, गोवा जैसे होटल के रेट्स में आपको मिल जाएगा। हाँ, फ्लाइट टिकट्स डबल है, लेकिन 15,000 रुपये एक्स्ट्रा डालोगे तो गोवा की जगह आप थाईलैंड आ सकते हो, 15,000 से 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा। बस यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है, बस मैनेजेबल है। तो देखो हमारे होटल में ना यहाँ पे आप कपड़े भी धुलवा सकते हो इन जस्ट वन बात, एक बात में 1.5 लीटर पानी के हिसाब से जितने कपड़े होते हैं। सही है यार, बढ़िया है, मतलब 3-4 बात में आपके सारे कपड़े शायद धुल जाए, और कॉइन डालना पड़ता है इसमें। भाई साहब 7-Eleven अगर नहीं होता तो अपने बहुत वांदे हो जाते है ना। मतलब ये देखो अभी ये बर्गर जो है ये बढ़िया एकदम 50-60 रुपए में मस्त बर्गर मिल जाता है, इसको गर्म करके देते हैं वो लोग और ये एटलीस्ट खा सकते हैं भाई। मैं तो यहाँ का बाहर का खाना तो अभी बस हो गया भाई, नहीं चाहिए मेरे। और स्पेशली यहाँ की फिश और वो जो मिलता है ना श्रिम्स और वो सब चीज़ें, आई एम डन। क्विकली खाते हैं तो निकलते हैं मेट्रो। मेट्रो से जाएंगे, पूरा सफ़र करेंगे टिल द ग्रैंड पैलेस स्लीपिंग बुद्धा। तो एक मेट्रो हमको चेंज करनी पड़ेगी ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन, अशोक स्टेशन पे, अशोक। हाँ ओके, चलो निकल के बैंकॉक की सवारी करने। अब इस वीडियो में मैं आपको बैंकॉक में कितना खर्चा हो सकता है एक दिन में वो बताऊंगा। सो आज का हमारा बजट है 1000 बात। 1000 बात मतलब ऑलमोस्ट 2200-2300 इंडियन रुपीस। तो 1000 बात में आप दिन भर में कितना घूम सकते हो, क्या क्या खा सकते हो, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने 7-Eleven से एक पानी की बड़ी बॉटल ली और एक छोटा सा बर्गर लिया एक 50-60 रुपए का। तो टोटल मिला के हमारा बिल हुआ अराउंड 48 बात। तो अभी बचे हैं ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 950 बात। अब 950 बात से अभी हम मेट्रो पकड़ेंगे। मेट्रो का टिकट जाएगा शायद 150 बात के आसपास, मे बी थोड़ा ज़्यादा जाएगा, देखते हैं। बैंकॉक में अगर आप कुछ खाने के लिए बाहर निकलोगे तो आपको 150-150 रुपये तो आराम से लग जाएंगे स्ट्रीट फूड, और अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आपको 500-700 रुपये एटलीस्ट लग जाएंगे, जितना हमने देखा है इन 3 दिनों में। चलो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है बैंक चौक। तो अब जाके थोड़ी एनर्जी जुटा पाया हूँ आज घूमने के लिए, कल मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, 28 जनवरी से मैं फुल रिग्रेस में हूँ। इतनी बड़ी राइड किया अयोध्या राइड, फिर वहाँ से वापस आया, 4 दिन बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हुई, और फिर ये ट्रिप का पूरा प्लानिंग है, सब चीज़ें करेंसी एक्सचेंज और सब, फिर इमीडिएटली हम निकल गए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलना पड़ रहा है, मतलब इतना शायद मैं ज़िंदगी में कभी नहीं चला जितना ये ट्रिप में चलाऊँगा। टोटल अब तक मुझे लगता है 50-60 किलोमीटर तो मैं चल गया हूँ, रोज़ के 6-7 किलोमीटर आराम से हो रहे हैं। चलो आ गए मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे टिकट ऑफिस है, यहाँ से एंट्री प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमको पकड़नी है। 100 ओके थैंक यू। सो हमें अशोक स्टेशन से ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी और नया टिकट लेना पड़ेगा। सो ये टिकट ऐसे कुछ कार्ड मिलता है, अभी 50-50 बात का एक टिकट था, मतलब 100 बात यहाँ पे चले गए, बचे कितने 850। चलो वो ले वॉशरूम जाके आता हूँ। वैसे मेट्रो यहाँ पे सस्ती तो नहीं बोल सकते क्योंकि हमने बहुत बार देखा है टैक्सी का और मेट्रो का मतलब रेट काइंड ऑफ सेम ही है, अनटिल एंड अनलेस आपको ट्रैफिक मिल जाए। अगर ट्रैफिक मिल गए तो फिर आपको थोड़ा टैक्सी महंगी हो सकती है। सबसे सस्ता ऑप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे है शेयर्ड स्कूटर, वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, मतलब इस 100 बात में मैं शायद एंड टू एंड जा पाता, लेकिन अगर आप अकेले हो तो ही इट मेक सेंस। अगर आप फैमिली हो और ये सब हो और आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं है तो मेट्रो इज़ द बेस्ट थिंग।
तो जी उतर गए हम अशोक स्टेशन पे, यहाँ से हमको लेनी है ब्लू लाइन। तो अभी ब्लू लाइन कहाँ से ले वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ब्लू लाइन चलो देखते। तो आई थिंक हमको नीचे उतर के दूसरे स्टेशन चल के जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा इंटरचेंज नहीं है। ये आंटी है दीदी। थाईलैंड में लोगों को ना अदबो आदाब बहुत है, जहाँ जहाँ वहाँ बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ के सिक्योरिटी को मैंने पूछा वॉशरूम कहाँ, तो छोड़ के आया मेरे को वॉशरूम तक। अच्छा समझे आप, ये अंडरग्राउंड है ब्लू लाइन। वो हमें दिखा भी नहीं ना, इसलिए दिखा नहीं बाहर से। करेक्ट। तो अब तक हम ग्रीन लाइन में चल रहे थे, अब हम ब्लू लाइन में एक्सपीरियंस लेंगे। चलो तो हमने टिकट निकाल लिया, ये जा रहे हैं हम यहाँ पे सनम चाय, मतलब सनम चाय ऐसा लगता है दुकान है, है? तो यहाँ टिकट पड़ा 72 baht, 850 - 72, 778 baht बचे हैं। मतलब ऐसा समझो कि 500 baht हमारे ट्रैवलिंग में चले जाएंगे। सनम चाय स्टेशन, सनम चाय, प्लीज माइंड द गैप बिटवीन ट्रेन। वाह काफी जल्दी आ गया ना, 20 मिनट में आ गया अपन। और पूरा अंडरग्राउंड है सब कुछ। सही है भाई, बैंकॉक में मेट्रो इज वेरी यूजफुल, काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव कर लेता है और ट्रैफिक का भी सीन नहीं होता है। मस्त एसी में जाओ एसी में आओ, और हर तरफ मेट्रो स्टेशन है, मतलब दिल्ली जैसा है। अरे बाप रे, और ऊपर बहुत नीचे थे यार अपन। देख मेट्रो ज़मीन के कितने नीचे से जाती है। अभी मुंबई के भी चालू होने वाले इस साल फर्स्ट फेज। देखो ये अभी से इनका शुरू हो गया ऐसा प्लेटफॉर्म। अरे वाह, ये तो पूरा रॉयल प्लेटफॉर्म है। ओ ये जगह ही वैसी है ना, ग्रैंड पैलेस और वो। राइट बराबर है। ओ नाइस, क्या बात है। ये देखिए गाइस क्या ही ज़बरदस्त स्टेशन बना है, पूरा हेरिटेज फील। वाह सही है। तो ये देखिए ग्रैंड पैलेस, वट फो और म्यूजियम यहाँ पे स्ट्रीट। इसके बालों को क्या हुआ भाई, विग मिलते हैं यहाँ पे। कल मैंने हाँ बहुत सारे विग थे मॉल में, तो इतने विग मिलते हैं, वो पूरी चोटी डाले हुए भी विग मिलते हैं। विग की असली जरूरत तो मेरे को है, पढ़ने वाली है। अभी देखते हैं कुछ अच्छा विग मिला मस्त एकदम शाहरुख खान जैसे बालों का, नहीं तो कुछ तो। अरे और कितना ऊपर, 4 माले नीचे थे अपन। मुंबई जैसी गर्मी है, मुंबई जैसा वेदर है। हाँ पसीना आता है और धूप मुंबई में अप्रैल में कैसी होती है वैसी धूप है। ये एरिया काफी डिफरेंट है, जहाँ हम रह रहे हैं वो काफी डिफरेंट है। वेरी ब्यूटीफुल, वाओ। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, बैंकॉक में एक स्कैम बहुत कॉमन है, लकी बुद्धा बैंकॉक स्कैम। बेसिकली ये टुक टुक वाले लोग करते हैं, तो उसमें आपको घुमाएंगे और आपसे पैसे ज़्यादा ऐंठने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में मैंने पढ़ा था, इसीलिए बच के रहिए क्योंकि आपको शायद पता भी ना चले और स्कैम हो जाए। सेकेंडली ये एरिया में ना जगह जगह पे बोर्ड लिखे कि बीवेयर ऑफ द थीव्स, तो ये मोबाइल वोबाइल थोड़ा यहाँ पे संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। और ये स्टेशन से रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो आधा किलोमीटर ही है, तो चल के भी जा सकते हैं। वट फो, यहाँ पे वट फो है, अब पता नहीं क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम टैक्सी से आते हैं तो हमारे आराम से 250 baht में भी चले जाते, लेकिन हम आ गए यहाँ पे 170 baht। ओ ट्रेडिशनल ड्रेस, नाइस। तो यहाँ पे टिकट है देखो 300 baht, ओपन 8 AM क्लोज 6 PM। ओके तो हम लोग प्रीमाइसिस में आ चुके हैं और ये बहुत बड़ा एरिया है। अभी अभी हमने 300 baht का टिकट भरा, तो 300 baht इज फॉर फॉरेन टूरिस्ट, मतलब 600 baht फॉर टू, और बच्चे को तो फ्री। वैसे ये जो 300 baht है मैं इसमें कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ अपने डेली खर्चे में, क्योंकि ये तो मैं यहाँ आया इसीलिए गए, अगर वो डाल दूंगा तो फिर अपने पैसे वही ख़त्म हो जाएंगे। अभी अपने पास ऑलमोस्ट लास्ट 2500 baht बचे हैं बस, वो उसमें से भी आज मतलब 500 हज़ार तो आज ही निपट जाएंगे। चलो अच्छा है, वैसे भी लास्ट डे है, ठीक ही है। अरुला करो ये देखो यहाँ पे प्रेयर्स हो रही है, नाइस। काफ़ी डिफरेंट कल्चर हम महसूस कर पा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लद्दाख या नॉर्थ में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा वैसा फीलिंग है, लेकिन ये काफ़ी अलग है, आर्किटेक्चर भी अलग है और शायद रीति रिवाज भी थोड़े अलग है।
चलो जाते हैं, रिक्लाइनिंग मुद्दा। अच्छा, शूज का बैग हाथ में लेके घूमना है? ओके, डू नॉट वेयर हैट्स, हैट भी निकालना पड़ेगा। ओ माय गॉड गाइस, बहुत बड़ा स्टैचू है, काफी बड़ा है स्टैचू, देखो बहुत बड़ा है और पूरे से लेटे हुए हैं, तो एक साथ पूरा आप नहीं देख पाओगे, बीच में पिलर्स है, जैसा थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। क्या आर्ट बनाया गाइस, पूरी पेंटिंग से भरा हुआ है ये, देखो बाप रे, और पूरी स्टोरी लाइन डिपिक्ट हो रही है, देखो यहाँ पर। ये देखो यार कितना सुंदर एरिया है, देखो वैसे अभी अभी मैंने जहाँ अपनी हिमालयन बुक की है वहाँ पे फ़ोन किया, व्हाट्सएप कॉल, उसको पूछा कि भाई क्या 26 जनवरी को, वो बता रहे थे कि वो ट्रांसिट में 26 जनवरी को निकली है ऐसे बोलते, फिर 5-6 तारीख को यहाँ आने के पहले फ़ोन किया तो बोल रहे कि ट्रांसिट में दिखा रहे, अभी आज है 17 तारीख, आज फोन किया तो बोलते कि पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न ट्रांजिट में दिखाई नहीं रहे, क्या मालूम यार। मैंने सोचा था कि चलो बोल रहे एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीने में मिल जाएगी, ठीक है मिल, अभी 3 महीने हो जाएंगे यार। आई जस्ट होप कि अभी एटलीस्ट ये महीने में अपनी हिमालयन आ जाए, देखते अभी कब आती है। चलो तो यहाँ पे आपको सुविनियर शॉप्स भी मिल जाएंगे, थोड़े रिफ्रेशमेंट्स भी मिल जाएंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है कंपेयर टू मार्केट, देखो 100 बात का एक फ्रिज मैग्नेट है, बाहर 100 बात में उनको 3 मिल रहे थे, लेकिन ये वाले थोड़े अलग, मतलब 230 रुपए के आसपास एक। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको सुवेनियर्स मिल जाएंगे, गणपति बप्पा भी है। तो ये जो पूरा एरिया है एक ही एरिया है, मतलब वट पोस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा, तो इसका पूरा टिकट जो है वो 300 बाट, विच इज़ ओके, मतलब पूरा पूरा कवर करना है तो आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो ये देखो ये है पूरा मैप और इतनी सारी जगह देखने के लिए, ये देखो, तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं फिर आगे और क्या है, अब यहाँ पे बहुत जगह है तो आपको अगर 2-3 घंटा यहाँ पे एक्सप्लोर करना है तो कर सकते हैं। वैसे हमने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें तो देख ली है। ऑलराइट, सो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं, वापस आ गए सनम चाय मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड, तो अभी यहाँ से हम जाएंगे वापस अशोक, वहाँ पे शायद कुछ खाएंगे और फिर वहाँ से देखते हैं। थोड़ी शॉपिंग भी रहेगी, मतलब छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, जैसे पहनने की चीज़ें काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पे ना एक मार्केट है खाओसान, यहाँ से नज़दीक है खाओसान रोड, काफ़ी अच्छा स्ट्रीट मार्केट है। तो ये आगे 2 टिकट्स अशोक के लिए 72 बात, मतलब ना बचा है 778 - 72, 706 बात बचे हैं। पहली बार मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कि 1000 बात इन बैंकॉक, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ चाहिए तो मैं बहुत ट्रैवल करते रहता हूँ तो मैं ऐसे वीडियोज़ डेफिनेटली बना सकता हूँ। ये तो चली गई, दूसरी पकड़नी पड़ेगी। लो जी आ गए हम सुकुमबिट वापस, अब यहाँ से यहीं पे आसपास कहीं तो खाएंगे, और एक मसाज भी बुक किया है आज, तो पहले ये करेंगे फिर मैं करेंगे, बढ़िया से ढूंढ के निकाला ठकुरान जी ने, एकदम ऑथेंटिक था है मसाज। वैसे तो मैं मेरे चेहरे पे देख पा रहा हूँ मैं काफ़ी थक गया हूँ यार, अब मुंबई जाने के बाद मैं बस 2-3 दिन सोने वाला हूँ, एडिटिंग एंड स्लीपिंग, जब तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होती मैं आराम करने वाला हूँ। तो बोलो हर हर महादेव। वाह मज़ा आ गया यार, भोले रात को देख के बड़ा मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगा, आधी पार्वती और आधे भोलेनाथ।
और यहाँ पे जो लिखा है वो आपको दिखाता हूँ ट्रांसलेट करके। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है ओम श्री गणेशाय नमः, वो ऊपर है ना थाई लैंग्वेज में, और यहाँ पे इनका नाम अलग है, ये देखो ये नाम हर हर महादेव। भाई सिर्फ बाइक को नहीं, यहाँ पे टुक टुक को भी एग्जॉस्ट है देखो, और फुल आवाज कर रहा है। ओके सो हम लोग पहुंच चुके हैं सुकुमवीट, मतलब अपने मसाज पार्लर के पास में ही है, और यहाँ पे 7-Eleven दिख गया। हमने खाना ले लिया, देखो ये चिकन राइस है, एक बर्गर ले लिया और एक और चिकन तंदूर जैसा है, टोटल पड़ा है 113 baht। 7-Eleven सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है। इंडिया से कंपैरिजन मत करो, अभी ये 200-250 rupees का हो गया। अब बाहर के कंट्री में हो ना तो 100 rupees में तो आपका काम होगा नहीं, तो इतना तो है ही। तो बढ़िया खाना हमने खा लिया अभी यहाँ पे 7-Eleven में, तो हम यहाँ पे पी रहे कैपुचिनो, एक अच्छी लगी तो मैं भी पीऊँगा। इसका प्राइस है हाउ मच फॉर दिस? 35। ओके 35 और 45 का आई थिंक फुल है, बड़ा वाला ग्लास ये वाला। अरे इतना सारा बर्फ डालते हैं लोग इसमें, गर्मी कितनी है बाहर। हाँ एक्चुअली हुई है ना गर्मी, हो जाता होगा नॉर्मल। प्रो के साथ एंजॉय योर ड्रिंक 35 baht। कैसी है? मस्त है ना, स्ट्रॉन्ग कैपुचिनो एकदम, क्या बात है। तो अभी देखते हैं हमारा खर्चा कितना हुआ है। ओए ये चला गया क्या? हाँ ये रहा 706 माइनस 113 इतना होता है माइनस 35, तो इतने हमारे पैसे अभी बचे हैं। तो लो भैया फाइनली इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, आ गए देखो 11 बज गए। और ये हमने फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं 100 baht में, 4 काफ़ी अच्छे हैं, वुडन मेक है, तो अभी अपना बजट में 100 baht और कम हो जाएंगे, फिर भी काफ़ी रुपए बचे हैं। और शाम को हम गए थे फुट मसाज लेने, बढ़िया फुट मसाज था, लेकिन वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। वैसे अराउंड 350 baht में एक झनका हो गया, तो 700 baht वहाँ चाहिए, तो वो इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वो एक नॉर्मल एक्सपेंस। करना चाहिए क्या इंक्लूड? करना चाहिए ना? हाँ एक्चुअली करना चाहिए, क्योंकि थाईलैंड बैंकॉक आओगे तो एक मसाज तो करते ही कोई ना कोई, और बचे कितने फिर तो काफ़ी कम बचे हैं। फिर अब देखते हैं ये जो ऑर्डर कर रहे तो ज़्यादा होने वाला है। फाइनल डिवाइस, कितने दिनों बाद देसी चिकन, ये दिखने में दिख रहा है भाई। चलो अच्छे से खाते हैं आज, और मोस्टली बिरयानी भी मंगाएंगे क्योंकि ये दम हंडी बिरयानी है, रेस्टोरेंट का नाम ही है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस, क्या बाइक है वो CRF यार, इंडिया में अगर आ गई ना भाई तहलका मचा देगी। देखो स्विंग आर्म देखो, सस्पेंशन देखो, हाइट देखो भाई, ग्राउंड क्लियरेंस देखो, क्या जबरदस्त मेंटेन किया है, मस्त बाइक है यार, वेरी नाइस। रैली एडिशन है, हेडलाइट तो देखो यार, ये स्टॉक हेडलाइट है क्या? स्टॉक हेडलाइट ऐसा है, मस्त है, वाओ। बस ऑल राइट, सो कल रात के डिनर के पहले बचे थे 558, उसमें मैंने ये एक स्टेनलेस स्टील की चेन लिया, तो ये बढ़िया चेन है। ये मैंने एक्चुअली 250 baht से 150 baht निगोशिएट किया और 150 baht में ले लिया, मतलब 558 माइनस 150 बचे है 408, 408 baht बचे थे। और क्या खर्चा हुआ? हाँ जो ब्रेकफास्ट था होटल का वो हमारा इंक्लूडेड था, इसीलिए सुबह का हमने कुछ खाया नहीं, दैट्स द रीजन सुबह का हमारा खाने का खर्चा ज़्यादा हुआ नहीं है। बस खाली एक छोटा सा बर्गर लिया था 7-Eleven से निकलते टाइम दोपहर को, दैट्स इट। फिर शाम को हम लोग होटल गए और होटल में बिल थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि बहुत दिन हो गए इंडियन खाना नहीं खाया था, तो बिल अराउंड 1000 baht के आसपास आ गया था, सो वो ऊपर ही चला गया। मतलब बेसिकली 1000 baht में आप बैंकॉक में घूम सकते हैं क्या? हाँ घूम सकते, ऐसा नहीं है नहीं घूम सकते, लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है और फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर आप रेस्टोरेंट में खाते हो तो। ट्रैवलिंग में आपको अगर 6-7 kilometers तक जाना है तो आराम से एक बंदे का 100-150 rupees लग जाता है मेट्रो से, कार से जाएंगे फिर भी उतना ही लग जाता है ऑलमोस्ट। सबसे सस्ता है स्कूटर, वो एक ऑप्शन है, उसमें आपको थोड़ा सा पैसा कम लग जाएगा, कंसिडर करके चलो कि ऑलमोस्ट 70% कॉस्ट लग जाएगा जितना आपको मेट्रो में लग रहा है। तो हमने मेट्रो में ट्रैवल किया और उसी हिसाब से खर्चा, अब ये खर्चा जो है
इस वीडियो में, ये दोनों का खर्चा है। बाप मगर मुझसे पूछोगे कि 1000 बात में एक बंदे का हो जाएगा क्या, तो हाँ आराम से हो सकता है एक बंदे का, क्योंकि अगर आप आज जो हम घूमे घूमते भी हो तो ट्रैवलिंग कॉस्ट आधा हो जाएगा, क्योंकि हम दो लोग थे तो ट्रैवलिंग कॉस्ट डबल हो गया, तो वो आधा हो जाएगा और बाकी का बचा कुचा पैसा शाम को हमने जो खाना खाया उसमें आप स्पेंड कर सकते हो। 1000 बात में आपका हो जाएगा, लेकिन 1000 बात एक्सपेंसिव है ना, मतलब 2500 रुपये हो गए ऑलमोस्ट इंडियन, 2500 रुपये एक दिन का खर्चा इज लिटिल एक्सपेंसिव, बट देन कंसिडरिंग दिस इज अ फॉरेन ट्रिप तो थोड़ा सा उतना तो होता ही है। और छोटी सी शॉपिंग किया तो इस हिसाब से 1000 बात है। अब डिपेंड करता है, अगर आप मॉल जाते हो तो वहाँ पे आपको तो 1000 बात में ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं होगी। इनफैक्ट इफ़ यू गो टू टर्मिनल मॉल और यहाँ पे जो प्लैटिनम मॉल है वहाँ भी जाओगे तो 500 रुपये के एक टी शर्ट के आसपास आप समझ के चलो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि बैंकॉक आके सस्ती शॉपिंग मिलेगी तो आपको स्ट्रीट शॉपिंग में वो जो कपड़े हैं ना उसमें मज़ा नहीं है, मतलब वो तो इंडिया में मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छे कपड़े लेने हैं प्लैटिनम मॉल से लेने हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा आप 400-500-600 रुपये टी शर्ट्स ऐसे मिलते हैं, तो आपको थोड़ा उस हिसाब से स्पेंड करना पड़ेगा। इसको आप और भी कम कर सकते हो, अगर आप स्कूटर रेंट पे ले लेते हो तो पर डे आपका हिसाब कम हो जाएगा, या तो आप शेयर स्कूटर ले लेते हो तो आपका उस हिसाब से भी हिसाब कम होगा हो जाएगा। और आप अगर 7-Eleven से ही अपना गुजारा कर रहे हो तो आपका काफ़ी सारा पैसा बच सकता है, जैसा 100-150 बात में आप आराम से पेट भर के 7-Eleven का बर्गर ये सब खा सकते हो और आपके इनफैक्ट 200-300 बात दिन के बच जाएंगे। वैसा हम यहाँ का खाना खा करके पक गए थे, इसीलिए हमने इंडियन रेस्टोरेंट के लास्ट डे था, सो दैट्स वाई थोड़ा सा ओवर बजट हो गया, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बस अभी वापसी का सफर शुरू होने वाला है, बैग्स ऑलमोस्ट पैक्ड है, अभी हम निकल रहे हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है नेक्स्ट वीडियो में वो है विस्तारा फ्लाइट का। हम आए थे इंडिगो फ्लाइट से, अब जाएंगे विस्तारा फ्लाइट से। विस्तारा में हम फर्स्ट टाइम एंड उसमें तो शायद मील्स भी इंक्लूडेड है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बाय द वे बैंकॉक वॉज लवली, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एक्सपीरियंसिस इन माई ट्रैवलिंग हिस्ट्री, और बहुत ज़्यादा टायरिंग भी था वो हमारे लिए, मतलब बच्चे को साथ में लेके घूमने के लिए थोड़ा टायरिंग हो जाता है। सो दैट्स ओके, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तो खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, थकावट देख सकते हो चेहरे पे, थक तो बहुत गया हूँ, अब घर जाके बस आराम करना है कुछ दिन, फिर काम के लिए जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।